हमारे पास तीसरी आंख। सर आज दिन तक आपने सिर्फ हमारे इंसानों की दो आंखें ही देखी होगी, लेकिन गाइस आज मेरे पास है यहाँ पर तीसरी आंख। और गाइस जिस आंख को मैं उस गुफा से निकाल करके लाया हूँ, चलो इस आंख को हम खोल करके देखते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर हम इसको नहीं खोलेंगे, चलो हम इसको घर पर ले जाकर के खोलते हैं। सर चलो अभी इस मिस्ट्रेस बॉक्स को खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी थर्ड आईज है। सर हमारी वो तीसरी चीज है वो यही है, माइक्रोस्कोप। क्योंकि गाइस जब हमारी नॉर्मल आंखों से सिर्फ इस पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन गाइस जो माइक्रोस्कोप की दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग होती है। क्योंकि गाइस माइक्रोस्कोप से हम ऐसी चीजों को भी देख सकते हैं जिनको हम हमारी नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और इसको सेटअप करके हम अलग अलग चीजों को देखेंगे, फिर देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोप की दुनिया किस तरह की होती है। तो यार ये है हमारा माइक्रोस्कोप, और गाइस जिसके साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे गाइस ये टॉर्च, ये ग्लास और गाइस ये लेंस वगैरह। चलो अब इनको फटाफट से इस माइक्रोस्कोप में सेटअप कर लेते हैं, फिर गाइस जिससे बहुत ही मजेदार चीजें कुछ चीजों को देखेंगे। तो अभी हमारा माइक्रोस्कोप पूरी तरह से तैयार है चीजों को देखने के लिए। चलो सबसे पहले हमारे खून की बूंद को माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्लाइड तैयार करनी होती है। तो अभी मैंने हमारे खून की स्लाइड को इस माइक्रोस्कोप के अंदर रख लिया है। तो यार लुक एट, हमारी खून की सिर्फ एक बूंद के अंदर इतने सारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, और गाइस इतने ज्यादा है कि इनको हम गिन भी नहीं सकते। तो यार ये माइक्रोस्कोप चीजों को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। और जब मैंने इसके अंदर कुछ नमक के दाने रखे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हो, लेकिन ये सिर्फ छोटे छोटे नमक के दाने हैं। और जब मैंने इसके अंदर एक कपड़े को देखा तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और हम इसके एक छोटे छोटे धागे को भी बहुत ही बड़े रूप में देख सकते हैं। तो ये तो आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा कि हमारे नाखूनों में बहुत ज्यादा गंदगी होती है। चलो अब हम हमारी नाखून की गंदगी को इसके अंदर देखते हैं। इसके लिए मैंने इस सुई की मदद से नाखून की कुछ गंदगी को निकाल लिया है, और अब इसको इस कांच की पट्टी में रख करके एक स्लाइड बना ली है। चलो अब इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अरे यार लेकिन हमारे नाखून की गंदगी तो बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है, और इतनी ज्यादा खराब है कि इसको हम ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकते। और इसको देखते देखते मुझे एक बार तो उल्टियां भी आ गई। तो देखा आपने हमारे नाखूनों के अंदर कितनी ज्यादा गंदगी होती है। चलो अब हमारे कान की गंदगी को देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कान के अंदर से थोड़ी सी गंदगी को निकाल लिया है, और इसकी भी मैंने एक स्लाइड तैयार कर ली है। चलो अब इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अरे यार लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये अपनी जगह से हिल भी रहे हैं, और थोड़ा सा फास्ट मोशन में देखने पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई नदी बह रही हो। देखो चलो अब बालों के थोड़े से डैंड्रफ को भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी गंदगी है हमारे बालों की। चलो आज पता लगाते हैं कि हमारे बालों की गंदगी किस तरह से दिखाई देती है। इसके लिए मैंने बालों से थोड़ा सा डैंड्रफ निकाल करके इसकी भी एक स्लाइड बना ली है। चलो अब इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और यार लेकिन बालों के डैंड्रफ के अंदर तो ये कुछ इस तरह से अजीब सी शेप दिखाई दे रही है, और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े कीड़े हो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आपके दिमाग में और भी आइडिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उस चीज को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और इस तरह के मजेदार वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।